आज की ये जो कहानी है ये आजादी की कहानी नहीं है, लेकिन आजादी के दिन ही एक भारत का सूरवीर और एक खतरनाक खिलाड़ी देश के लिए क्रिकेट को अलविदा कर देता है। 15 अगस्त साल था 2020, जहां पर पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। ठीक कुछ ही दिन शाम को एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है और यह खबर इंस्टाग्राम पर MS धोनी द्वारा पोस्ट की गई थी और देखते देखते यह खबर इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी थी। और इस न्यूज के बाद में पूरा देश आजादी के जश्न से बाहर आके अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। अपनी कप्तानी में 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद में MS धोनी की किस्मत मानो कि सातों आसमान छू रही थी। MS धोनी जिस भी वर्ल्ड कप में जाते या फिर जिस भी चैंपियन ट्रॉफी में जाते वो टीम इंडिया के नाम हो जाती। फिर चाहे अगर बात करें 2011 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2013 की चैंपियन ट्रॉफी। और जैसा कि सभी को पता है कि सूर्य उदय के बाद में सूर्य का अस्त होना निश्चित है, तो उसी प्रकार MS धोनी के शानदार करियर की शुरुआत जिस प्रकार हुई तो उसी के चलते 10 जुलाई को MS धोनी ने अब क्रिकेट में अपना अंतिम मुकाबला खेला। MS धोनी का अंतिम मुकाबला 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ था। MS धोनी ने इस मैच में अपनी जी जान से मेहनत की, लेकिन फिर भी वो यह मैच टीम इंडिया के नाम नहीं कर सके। लेकिन यह मैच टीम इंडिया के हारने के बाद में MS धोनी के दामन पर बहुत से दाग लगाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि MS धोनी की वजह से हम 2019 का वर्ल्ड कप अपने हाथ से गवा बैठे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि MS धोनी नहीं चाहते कि टीम इंडिया कभी भी अपने अलावा किसी और ही कप्तानी में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीते। साथ ही साथ बहुत से दर्शक MS धोनी से संन्यास लेने की गुजारिश करने लगे। 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में MS धोनी जिस प्रकार रनआउट हुए, तो उसी रनआउट को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चा चल रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि MS धोनी ने जानबूझकर डाइव नहीं मारी। अगर MS धोनी सही वक्त पर डाइव मारते तो MS धोनी इस मैच को आसानी से टीम इंडिया के नाम करा सकते थे। तो इस प्रकार की खबरें जब सोशल मीडिया में चारों तरफ घूम रही थी, तो MS धोनी के फैंस के लिए अपने आंसू रोके से भी नहीं रुक रहे थे। जिस MS धोनी ने सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया को मुश्किल वक्त में उबार कर जीत की दहलीज तक पहुंचाया, उसी के ऊपर ऐसे कलंक लगते हुए देखकर सभी अचंभित थे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आज की इस कहानी में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की यह कहानी खास 2019 के वर्ल्ड कप पर और उसके साथ ही MS धोनी के रनआउट पर होने वाली है। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2019 का विश्व कप शुरू होने से पहले टीम इंडिया को विश्व कप का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। और भारतीय टीम के बारे में अगर बात करें तो भारतीय टीम ने इस विश्व कप में सेमीफाइनल से पहले सेम उसी तरह खेला जैसा कि टीम इंडिया के बारे में चर्चा हो रही थी। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीम को शिकस्त दे दी। इसके बाद 9 जून को टीम इंडिया ने कंगारू को उनकी औकात दिखा दी और अपना विश्व कप में अपना परचम लहरा दिया और सभी को यह उम्मीद दी कि टीम इंडिया यह विश्व कप अपने नाम करके रहेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद में टीम इंडिया ने 16 जून 2019 को अपने चहेते पाकिस्तान को भी शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हराने के बाद में टीम इंडिया ने अपने आगे के कारगर में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की टीम को भी शिकस्त दे दी। और इन सबको हराने के साथ ही टीम इंडिया अब विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। 2019 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ऐसा खेल देखकर सभी को लगा कि टीम इंडिया यह विश्व कप आसानी से अपना नाम कर लेगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस विश्व कप में भारत की टीम कुछ गलतियां कर रहा था। लेकिन जो गलतियां भारतीय टीम के सामने पहले के मैचों में नहीं आई, तो वही गलतियां टीम इंडिया की सेमीफाइनल मुकाबले में उभर कर सामने आई। बात है 9 जुलाई 2019 की, जहां मैनचेस्टर के मैदान पर इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला होना था। सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टॉस का सिक्का उछलता है और यह सिक्का न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के पक्ष में जा गिरता है और केन विलियमसन सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। टीम इंडिया की ओर से स्विंग के सुपरस्टार यानी कि बुमराह सुकुमार और यॉर्कर किंग यानी कि बुमराह ने न्यूजीलैंड टीम को तहस नहस कर दिया। मार्टिन गुप्टिल और निकलस ने न्यूजीलैंड टीम की पारी की शुरुआत करी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज 2.4 ओवर तक टीम का खाता भी नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड की टीम के लिए पहला रन 17वीं गेंद पर निकला। 3 ओवर समाप्त होने के साथ ही न्यूजीलैंड टीम के लिए मात्र 1 रन स्कोर बोर्ड पर था। टीम इंडिया गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड टीम को 1-1 रन लेने के लिए
बहुत ही तरसा दिया। इसके बाद में चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने मार्टिन गुप्टिल को भी पवेलियन के लिए चलता कर दिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उस दिन अपना पूरा दमखम दिखाया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बैक फुट पर डाल दिया। न्यूजीलैंड की टीम की ओर से 46 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बन सके। यहां तक भारतीय टीम इस मैच को अपने इशारों पर चला रही थी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था और लगभग यहीं से टीम इंडिया के हाथ से यह मैच निकल गया। इस मैच पर बारिश का साया पहले से ही बताया जा रहा था और पहले से ही इस मैच के पूरे दिन बादल मंडरा रहे थे, लेकिन 46 ओवर के बाद में बारिश होना शुरू हो गई, जिसके बाद यह मैच दोबारा प्रारंभ नहीं हो सका और इस मैच को अगले दिन यानी कि रिजर्व डे के लिए रखा गया। लेकिन जब अगले दिन दोबारा से मैच शुरू हुआ तो इस मैदान की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी और इस कंडीशन में बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल था। न्यूजीलैंड टीम ने अपने 46 ओवर पहले दिन ही खेल लिए, यानी कि अभी अगले दिन न्यूजीलैंड को सिर्फ 4 ओवर बैटिंग करनी थी और भारतीय टीम को पूरे 50 ओवर इस मुश्किल परिस्थिति में गुजारने थे। न्यूजीलैंड ने अपने बाकी बचे हुए 4 ओवर में 30 रन बनाए और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने फाइनल मैच में 50 ओवर में टोटल 239 रन बनाए और भारतीय टीम को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड की टीम की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने 95 गेंदों में 67 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसके साथ ही रॉस टेलर ने भी 90 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेली। एक साधारण कंडीशन में भारतीय टीम के लिए 240 रन का लक्ष्य आसान सा लक्ष्य होता, लेकिन बारिश के चलते यही लक्ष्य टीम इंडिया के लिए एक पार जितना विशाल लक्ष्य बन गया। भारतीय टीम की ओर से केएल राहुल और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करी। इन दोनों भारतीय धुरंधरों के सामने चुनौती थी कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी की गेंदों का सामना कर सकें, क्योंकि ये दोनों गेंदबाज वो गेंदबाज हैं जो कि अपनी टीम को साधारण परिस्थिति में भी विकेट दिला सकते हैं। लेकिन आज तो वैसे भी कंडीशन बहुत खराब है, जिसका ये दोनों गेंदबाज फायदा उठाने वाले थे और आज का दिन उन दोनों गेंदबाजों के लिए सोने पे सुहागा था और आखिरकार हुआ भी वही जिसका सभी को डर था। इस मैच के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मैट हेनरी ने रोहित शर्मा का विकेट लेकर टीम इंडिया को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का वो सितारा थे जो कि हर मैच में शतक पे शतक मारे जा रहे थे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में टीम इंडिया को संभालने के लिए टीम इंडिया कप्तान यानी कि किंग कोहली खुद मैदान पर आ चुके थे, लेकिन किंग कोहली भी इस मैच में कुछ नहीं कर पाए और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने भी किंग कोहली को पवेलियन का रास्ता वापस दिखा दिया और टीम इंडिया के खेमे में सन्नाटे के बादल छा चुके थे। इसके बाद भारतीय दर्शक विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट से बाहर भी नहीं निकला कि चौथे ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी ने टीम इंडिया को एक और जख्म दे दिया। मैट हेनरी ने अपने चौथे ओवर में पहली गेंद पर केएल राहुल को भी चलता कर दिया और इस विकेट के साथ ही मैट हेनरी ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया। विश्व कप के सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में 5 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद में जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली थी। टीम इंडिया के लिए यह सेमीफाइनल मुकाबला 3.1 ओवर यानी कि मैच 19 गेंदों में समाप्त हो गया, क्योंकि टीम इंडिया के तीन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों ने मिलकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में मात्र 3 रन बनाए और इसके आगे सभी को यह बात समझ में आ गई कि भारतीय टीम के लिए यह मैच जीत पाना किसी चक्रव्यूह को तोड़ने से कम नहीं है। इन सब के बावजूद भारतीय टीम के लिए जो सबसे बड़ी गलती साबित हुई वह हुई नंबर 4 की पोजीशन। भारतीय टीम के लिए पिछले 1.5 साल से नंबर 4 की पोजीशन पर अंबाती रायडू और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा था, लेकिन एन मौके पर यानी कि वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया और इनकी जगह ऋषभ पंत को नंबर 4 की पोजीशन पर उतारा गया। ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में नंबर 4 पर उतारना सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ऋषभ पंत ने इस वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए वनडे इंटरनेशनल मैचों में मात्र 5 मैच खेले थे। ऋषभ पंत को सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में नंबर 4 पर उतारकर टीम के मैनेजमेंट ने अपने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। नंबर 4 पर ऋषभ पंत को भेजने के बाद में सभी दर्शकों को और साथ ही पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर को उम्मीद थी
कि नंबर 5 पर टीम इंडिया के लिए एमएस धोनी को उतारा जाएगा। और देखा जाए तो नंबर 5 पर एमएस धोनी की जगह देखते ही बनती है, क्योंकि ऐसे माहौल में जहां टीम इंडिया के लिए विकेट गिरते जा रहे थे, तो उस परिस्थिति में एमएस धोनी अगर टीम इंडिया के लिए बैटिंग करने के लिए आते तो एमएस धोनी टीम के विकेटों को संभाल सकते थे। और इसके साथ ही नंबर 5 की पोजीशन के लिए एमएस धोनी से ज्यादा किसी के पास भी अनुभव नहीं था। एमएस धोनी ऐसी परिस्थितियों में टीम को पहले भी बहुत बार बाहर निकाल चुके हैं, तो एमएस धोनी के लिए यह एक बाएं हाथ का खेल था। लेकिन टीम के मैनेजमेंट ने एक बार फिर से नंबर 5 की पोजीशन पर दिनेश कार्तिक को उतारकर इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी चूक कर दी। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में यह टीम के सिलेक्शन के लिए सबसे खराब निर्णय था। और नंबर 5 पर उतारा भी गया तो किस बल्लेबाज को, वो भी दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक जिनको विश्व कप में पहली बार 2019 के सेमीफाइनल में उतारा गया, यानी कि दिनेश कार्तिक को कोई भी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलने का मौका मिला। दिनेश कार्तिक ने खेला तो सिर्फ सीधे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला। और कार्तिक के बारे में जैसा सब जानते हैं कि कार्तिक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं है, कार्तिक टीम के लिए एक फिनिशर की भूमिका आसानी से निभा सकते हैं। दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के लिए ऐसा खिलाड़ी है जो कि मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बरसात करता है। लेकिन आज के इस मैच में दिनेश कार्तिक को टीम के विकेट संभालने के लिए भेजा गया, लेकिन दिनेश कार्तिक के लिए भी यह सिचुएशन संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हुआ। दिनेश कार्तिक ने अपना खाता 21 गेंदों में खोला और इसके तुरंत बाद 25 गेंदों में दिनेश कार्तिक ने मात्र 6 रन बनाकर मैच हारने का शिकार हो गए। और इसके साथ ही टीम की उम्मीदों को एक और झटका लग चुका था। इसके साथ ही 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने मात्र 24 रन बनाए और अपने 4 विकेट गंवा दिए। टीम इंडिया की ऐसी हालत देखकर भारतीय टीम का दर्शकों का दिल टूट चुका था। भारतीय टीम के दर्शक एक बार फिर से नंबर 6 की पोजीशन के लिए एमएस धोनी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए 6 नंबर पर एमएस धोनी को नहीं भेजकर हार्दिक पांड्या को भेजा गया। यह सभी के समझ से परे था कि एमएस धोनी को आखिरकार क्यों रोका जा रहा है। टीम इंडिया के लिए अब क्रीज पर मौजूद थे ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। आगे इन दोनों ने टीम को जिताने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। दोनों के बीच में 46 रन की पार्टनरशिप हुई और दोनों ने मिलकर टीम के लक्ष्य को आगे की ओर ले गए, और जिसके चलते टीम इंडिया 20 ओवर में 70 के लक्ष्य तक पहुंच पाई। लेकिन अभी भी यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 180 गेंदों में 170 रन की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद अचानक से ऋषभ पंत की मूर्खता ने टीम इंडिया को एक और झटका दे दिया। 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने सेंटर की गेंद पर एक खराब शॉट खेला और ऋषभ पंत कैच आउट हो गए। टीम इंडिया की जिस प्रकार की हालत चल रही थी, तो उस समय में ऋषभ पंत का यह शॉट समझ से परे था, और ऋषभ पंत के विकेट गिरने के साथ ही टीम इंडिया की उम्मीदें वर्ल्ड कप जीतने से और भी ज्यादा दूर जा चुकी थी। इसके बाद आखिरकार टीम इंडिया को संकट से उबारने के लिए मैदान पर एंट्री होती है 2007 और 2011 के विश्व चैंपियन टीम इंडिया कप्तान एमएस धोनी की। एमएस धोनी को इस मैच में जहां नंबर 4 या फिर नंबर 5 की पोजीशन पर उतारा जाना था, लेकिन वहीं एमएस धोनी को टीम के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर उतारा गया। और अगर सच कहा जाए तो अगर उस दिन एमएस धोनी को नंबर 4 या 5 की पोजीशन पर उतारा जाता तो टीम इंडिया के नाम 2019 का वर्ल्ड कप होता। एमएस धोनी को हमने देखा है कि एमएस धोनी नॉन स्ट्राइक पर होने के बाद भी अपने साथी खिलाड़ी को समझाते रहते हैं। अगर एमएस धोनी इस मैच में पहले बैटिंग करने के लिए आते तो ऋषभ पंत का भी आउट होना नाजायज था, क्योंकि एमएस धोनी ऋषभ पंत को समझाते और ऋषभ पंत सेंटनर की उस गेंद पर इस तरह हवा में शॉट नहीं खेलते। टीम के मैनेजमेंट की सबसे बड़ी मूर्खता रही कि टीम के मैनेजमेंट ने अपने युवा खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में उतारा, उनके साथ किसी भी अनुभवी प्लेयर को नहीं उतारा, जिसके चलते उन युवा खिलाड़ियों ने अपने विकेट बिखरा गए। विश्व कप 2019 के लिए टीम इंडिया का टर्निंग पॉइंट जहां पर एमएस धोनी का रन आउट तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ही एमएस धोनी को नंबर 7 की पोजीशन में भेजना भी इस विश्व कप में हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी
एमएस धोनी मैदान पर आए और एमएस धोनी ने अपनी सूझबूझ से टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से 31वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल शैंटनर ने हार्दिक पांड्या को अपने जाल में फंसा लिया और इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में 62 बॉलों में 32 रन की पारी खेलकर वापस पवेलियन की ओर चले गए। यहां से हार्दिक पांड्या आउट होने के बाद में टीम की जिम्मेदारी एमएस धोनी के कंधों पर डालकर चले गए। यहां से आगे भारतीय टीम को 117 गेंदों में 148 रन की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद में टीम में एमएस धोनी का साथ देने के लिए मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। भारतीय टीम के पास में बल्लेबाजी करने के लिए जडेजा और धोनी की यह आखिरी जोड़ी मैदान पर मौजूद थी और इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के सामने यह चुनौती थी कि ये दोनों खिलाड़ी रन बनाने के साथ साथ टीम इंडिया के विकेट को भी संभाल कर रखें, और जिसके लिए एमएस धोनी ने अपने दिमाग में भरपूर प्लान बनाया। एमएस धोनी ने फैसला किया कि धोनी कोई भी खराब शॉट नहीं खेलेंगे और टीम को अंतिम ओवर तक लेकर जाएंगे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर यह फैसला किया कि दोनों सिंगल और डबल से मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाएंगे और अंतिम 4 से 5 ओवर में बड़े शॉट खेलकर यह मैच अपने नाम आसानी से कर लेंगे। एमएस धोनी का खेलने का यह अंदाज बिल्कुल ही सही था। अगर पहले वाले बल्लेबाज भी एमएस धोनी के जैसे सोचते और उनकी तरह खेलते तो यह मैच बहुत पहले ही टीम इंडिया के पक्ष में आ जाता और एक टाइम पर धोनी का यह दिमाग काम भी कर रहा था। जडेजा और धोनी अपनी सूझबूझ से टीम इंडिया को जीत की ओर लेकर जाने लगे। दोनों ने मिलकर टीम के लक्ष्य को 40 ओवर में 150 रन तक पहुंचाया। लेकिन अभी भी यहां से टीम को जीत के लिए अंतिम 10 ओवरों में 90 रन की दरकार थी। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जडेजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को जीत की ओर लेकर जा रहे थे तो वहीं एमएस धोनी भी अपनी सूझबूझ से सिंगल डबल के साथ ही मैच को अंतिम ओवर की ओर खींच रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखते हुए भारतीय टीम मैच में एक बार फिर से वापसी कर पाई और इन दोनों की पारी ने टीम को 47 ओवर में 203 रन के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी यहां से टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 37 रन की जरूरत थी। इस समय तक यह मैच टीम इंडिया के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेट बोल्ट ने जडेजा का विकेट लेकर इस मैच को एक बार फिर से अपनी टीम की ओर मोड़ दिया और यहां से टीम इंडिया के दर्शकों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। लेकिन सभी को एक बड़ी उम्मीद थी, वो थी एमएस धोनी। लेकिन मैच को जिताने के लिए क्रीज पर एमएस धोनी अकेले पड़ गए। एमएस धोनी का साथ देने के लिए आगे मैदान पर आए भुवनेश्वर कुमार। जडेजा के आउट होने के बाद में अभी भी टीम इंडिया को जीत के लिए जरूरत थी 12 गेंदों में 31 रन और धोनी के रहते टीम इंडिया से यह मैच कोई छीन ले इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी। यह बात भारतीय दर्शक और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को भी अच्छी तरह से मालूम थी और इसी बात का डर केन विलियमसन के चेहरे पर अच्छी तरह से दिख रहा था। इसके बाद 49वें ओवर की पहली गेंद लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर एमएस धोनी ने एक छक्का जड़ दिया। यह छक्का लगने के साथ ही टीम इंडिया की उम्मीदें एक बार फिर से वापस लौट आई। इसके बाद भी टीम को जीत के लिए 11 गेंदों में मात्र 25 रन की जरूरत थी। इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद खाली निकाल दी और उस गेंद पर कोई भी रन नहीं बन पाया। इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने ओवर की जैसे ही तीसरी गेंद फेंकी तो एमएस धोनी ने इस गेंद को भी बाउंड्री के उस पार पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यह गेंद एमएस धोनी के अंगूठे से लगकर मैदान में ही रह गई। लेकिन इसके बावजूद भी एमएस धोनी ने इस गेंद पर 2 रन लेने की सोची, क्योंकि एमएस धोनी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से इस बार स्ट्राइक भुवनेश्वर कुमार के पास जाए, तो जिसके लिए एमएस धोनी ने अपना पहला रन आसानी से पूरा किया और वापस मुड़कर दूसरे रन की ओर जाने लगे। लेकिन गेंद जैसे ही मार्टिन गुप्टिल के हाथ में पहुंची तो मार्टिन गुप्टिल ने कीपर की एंड की ओर थ्रो मारा और यह थ्रो सीधे जाकर स्टंप पर जा लगा और एमएस धोनी अपनी किस्मत की रेखा और साथ ही टीम इंडिया की उम्मीदें से मैच 1 इंच दूर रह गई। मार्टिन गुप्टिल के उस थ्रो ने उस दिन गिलिया नहीं बल्कि सभी फैंस की उम्मीदों को बिखेर दिया और यहां से एमएस धोनी के आउट होने के साथ ही टीम इंडिया की उम्मीदें भी तहस नहस हो गई और
टीम इंडिया यह सेमीफाइनल मुकाबला 18 रन से हार गई। इसके बाद एमएस धोनी अपनी आखिरी मैच में और नम आंखों से पवेलियन की ओर वापस चल दिए। लेकिन इस घटना के बाद में भी कुछ पागलों का मानना है कि हम यह वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला एमएस धोनी की वजह से हार गए। लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एमएस धोनी और जडेजा नहीं होते तो शायद यह मैच अंतिम ओवर तक पहुंच भी नहीं पाता और टीम इंडिया यह मुकाबला लगभग 20 से 30 ओवर में ही हार जाती। वो एमएस धोनी और जडेजा थे जिन्होंने टीम को जीत की उम्मीदें एक बार फिर से जगाई, लेकिन किस्मत का साथ नहीं रहा जिसके चलते एमएस धोनी रनआउट का शिकार हो गए। अगर एमएस धोनी उस समय रनआउट नहीं होते तो एमएस धोनी 101% यह मैच टीम इंडिया के पक्ष में जिता सकते थे। वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला माही को अंदर से तोड़ चुका था और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद में माही ने फिर दोबारा से टीम इंडिया की ओर मुड़कर भी नहीं देखा और इसके कुछ महीनों बाद ही 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी ने संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन आज भी बहुत से मूर्ख लोग यही मानते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया एमएस धोनी की वजह से हारी। तो उन जैसे लोगों को मैं यह वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिससे उनके दिमाग में यह बात घुसे कि एमएस धोनी और जडेजा ने यह मैच हराया नहीं बल्कि टीम को जीत की एक नई उम्मीद दी थी। तो अब आप भी इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास जरूर शेयर करें जो यह कहता है कि 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला टीम इंडिया एमएस धोनी के कारण हारी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपके लिए मैं आगे भी ऐसी और कहानी लेकर आता रहूं।